रामायण की तीन सर्वश्रेष्ठ चौपाई, जिसका पाठ करने से लाभ ही लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। तुलसीदास की रामायण में जिस तरह से जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी चौपाइयां भी बताई गई हैं, जिनके उच्चारण मात्र से मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। हालांकि इन्हें पढ़ने से पहले इनकी सिद्धि जरूरी है। आइए जानते हैं कि ये कौन सी चौपाइयां हैं और कैसे इनकी सिद्धि हो सकती है। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, अकहत सुनत एक हर अविवेका। अर्थ है, फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, दूसरी ओर सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावौ, अजास कृपा निर्मल मति पायौ। अर्थ है, राजा जनक की पुत्री जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी श्री प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे सुधनु सहायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। अर्थ है, फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाण धारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही समसामयिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।